हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप सारे फ्रेंड्स बहुत अच्छे होंगे। मैं भी ठीक ही हूँ। अभी जो है टाइम 11:15 होने वाली है और मेरे थोड़ा बहुत कपड़े धोना, झाड़ू पोछा वो तो हो गए हैं, लगभग सारे काम हो ही गए हैं। बस इस वाले रूम में आई थी मैं, तो यहाँ झाड़ू पोछा तो सुबह हो गया था और जो समेटने का था वो मैंने ऐसे ही रखा। अभी देखिए चेयर में कपड़े पड़े हुए हैं, इनकी बुक्स वगैरह, और बाकी कुछ तो मैंने सुबह कर लिया था और जो ज़रूरी था, और बाकी का मैंने सोचा जब बाद में टाइम मिलेगा फिर समेट लूँगी। तो अभी कुछ कुछ कपड़े तो रह गए हैं अभी, मतलब विंटर के संभालने के लिए कुछ तो मैंने रख दिए थे, और कुछ अब मैंने रखने, देखो कुछ यहाँ पे जैसे टांगे हुए हैं, कुछ दूसरे रूम में हैं, तो एक बक्से में तो मैंने रख लिए, और अब देखती हूँ बाकी कहाँ एडजस्ट करना है। जैसे ये है ना बच्चों का, अब बस एक पेपर बाकी है मंडे को, उसके बाद फिर ये भी संभाल देंगे। वैसे इनको ले जाते नहीं, स्कूल जा रखे हैं वो, अंदर से जो जर्सी होती है ना उसी को पहनते हैं। तो ये रही, और देखती हूँ अभी बहुत सारे कपड़े हैं जो कि समेटने हैं, कुछ तो रख दिए हैं, तो वो स्कूल से आ जाएंगे, उसके बाद देखती हूँ फिर। गई, ये वीडियो कल की है यानी कि 11 तारीख के मॉर्निंग की। तो जब बच्चे स्कूल चले गए थे उसके बाद मैं यहाँ पे बेड शीट चेंज कर रही थी, जो मैंने बिछाई हुई थी ना उसे मैंने निकाल दिया था वॉश करने के लिए, और ये दूसरी वाली मैं यहाँ पे बिछा रही थी। और ये भी चले गई थी ड्यूटी, बच्चे चले गए थे स्कूल। तो लगभग ज़्यादातर से ना जो भी काम होते हैं, जब बच्चे भी चले जाते हैं ये भी चले जाते हैं तभी होते हैं, ऐसे सबके साथ ऐसे हो जाता होगा, जब बच्चे स्कूल जाते हैं ना तभी अपना काम शुरू होता है। तो यहाँ पे इसको मैं बिछा लूँगी और दूसरी वाली को कर लूँगी वॉश, और कल की कुछ वीडियो इसमें कल की है और कुछ है आज की। तो ये देखिए मैंने यहाँ पे बेडशीट बिछा दी थी अच्छे से, और ये वाली मैं बहुत कम बिछाती हूँ क्योंकि ये बहुत ज़्यादा भारी है ना, तो धोने के लिए थोड़ा इसमें दिक्कत होती है। तो मैंने तकिया के कवर भी निकाल लिए थे, इस पर अभी तक दूसरे वाले नहीं चढ़ाए, तो पूरा घर मेरा हो गया था क्लीन। ये मैंने सामने में रखी है धोने के लिए दूसरे वाली, जो दूसरी थी जो मैंने निकाली, और ये देखिए पूरा घर मेरा हो गया क्लीन, और हो गया था मेरा मॉर्निंग का पूरा काम। देखिए पूरा रूम भी मैंने क्लीन कर लिया, किचन बाहर भी और दूसरा वाला रूम भी, तो सारे काम हो गए थे। और ये जो भी मैंने काम किया ना, पापा से बात करते करते किए, तो पापा से मैं फ़ोन पे बात कर रही थी, वही हालचाल पूछ रही थी। उनके हाथ में काफ़ी दिन से दर्द हो रहा, तो 2-3 दिन बाद मैंने कॉल किया तो इसलिए पूछ रही थी, और मम्मी के बारे में पूछ रही थी मैं। मम्मी की भी तबीयत ठीक नहीं रहती, और उनको बोला भी कई बार, मेरी बहन भी बोल देते हैं कि हमारे यहाँ छोड़ दो, डॉक्टर को दिखाएंगे और कुछ दिन ना रेस्ट भी मिल जाएगा उनको। घर में वैसे काम तो कुछ नहीं, फिर भी कुछ ना कुछ लगे ही रहते हैं काम में, मतलब बैठना तो अच्छा भी लगता वैसे बुज़ुर्ग लोगों को, कुछ ना कुछ काम करते ही रहेंगे। तो सभी बोलते हैं, बहनें भी, मैं भी बोलती हूँ, लेकिन आते ही नहीं वो। मम्मी तो कहीं भी नहीं जाती, उनका जो है ना ज़्यादा सफ़र करे जैसे बस में ना, तो बहुत तबीयत ख़राब होती है बहुत ज़्यादा, इसलिए वो कहीं जाती नहीं है, उन्हें अच्छा भी नहीं लगता। फिर पापा के भी खाने पीने की दिक्कत होती है, पापा को भी बोलो वो तो बिल्कुल ही नहीं जाते ना कहीं, उन्हें कहीं अच्छा लगता ही नहीं। कभी जाएंगे भी कुछ काम से तो मतलब एक दिन भी नहीं रुकते। तो यहाँ पर मैं मॉर्निंग में बच्चों के लिए पराँठे बना रही थी स्कूल जाते समय, स्कूल के लिए, और आलू के पराँठे बन रहे थे, वो लोग तैयार हो रहे थे। तो यही होता है ना, शादी के बाद बेटियां पराई हो जाती हैं, सबसे पहला फर्ज होता है ससुराल का। तो मतलब हम उनके पास जा नहीं सकते, जाएंगे भी तो कभी साल में एक बार जाना होता ही नहीं, दूर से तो 2-4 दिन रहेंगे फिर आ जाएंगे। तो पहले अपना घर होता है, बच्चे देखने होते हैं, अपने लोग मतलब फैमिली में, ये सबसे बड़ी जिम्मेदारी होती है। तब नंबर आता है मायके वालों का, पता नहीं कैसी रीत है, किसने बनाई ये रीत कि शादी के बाद बेटियां पराई हो जाती है। जिस घर में जन्म लिया, खेले कूदे, बड़े हो गए, वो घर इतना मतलब अनजाना हो जाता है ना, अनजान हो जाता है, मतलब जाएंगे भी तो ज़्यादा रुक भी नहीं पाते हैं। तो वही मैं बातें कर रही थी पापा से, और परेशान हो गई थी मैं कि क्या करें, हम आ भी नहीं सकते। सभी की बहनों के भी ऐसे हैं, बच्चे स्कूल वाले हैं, पेपर हो रहे हैं, बोल रहे थे, देखता हूँ मैं, बोल रहा था मम्मी को कि मैं छोड़ आता हूँ और कुछ दिन रह ले घूम ले उधर, तो
तो पता नहीं आती हैं कि नहीं आती हैं। मेरे से तो मम्मी मना कर रही थी कि नहीं आ पाऊँगी, मेरी तबीयत और ज़्यादा ख़राब हो जाएगी बस में। तो ये देखिए मेरे पराठे बन गए हैं, ये उस टाइम तैयार हो रहे थे, उस साइड में मैंने चाय रखी, चाय बन रही है। और खाना पीना भी फिर पापा के बिना दिक्कत हो जाती है अगर मम्मी कहीं चली गई। बाकी तो पापा ही बनाते हैं खाना, लेकिन रोटियां नहीं बन पाती उनसे, इसलिए उनकी दिक्कत होती है। तो ये मैंने अपने लिए पिट्ठी बचा दी, जब ये स्कूल चले जाएंगे तो अपने आप के लिए मैं दो पराठे बाद में बनाऊंगी इनको, और बच्चों को मैंने दे दिया। ये देखिए ये बर्तन भरे पड़े हैं, और पूरा रूम का नज़ारा देखिए, देखिए कुर्सी में कपड़े बिस्तर सारे ऐसे ही थे। स्कूल चले जाते हैं तो उसके बाद मैं सब सही करती हूँ, देख लीजिए।